नमस्कार। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा आयोजित गांधी साहित्य उत्सव व डॉक्टर जेसी कुमारप्पा की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कारीगर हाट में आप सभी आगंतुकों का गांधी दर्शन में स्वागत है। गांधी साहित्य उत्सव 21 से 28 मार्च 2017 तक लगाया गया है, जिसमें हिस्सा लेने वाले प्रकाशक इस प्रकार है: गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, संचय संस्था दिल्ली, गांधी शांति प्रतिष्ठान, पब्लिकेशन डिवीजन, एक कोशिश स्पेशल स्कूल, गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, साहित्य अकादमी, बहाई हाउस, स्वाकृति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सस्ता साहित्य मंडल, यूनिवर्सल प्रकाशन, VLM मीडिया सॉल्यूशन, मीडिया इंडस्ट्रीज ग्रुप, मोक्षदा पर्यावरण एवं वन सुरक्षा समिति, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति। इसके अलावा इस कारीगर हाट में 21 से 25 मार्च तक कारीगरी द्वारा तैयार वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कारीगरी समाज की धरोहर है। आप सभी आगंतुकों से निवेदन है कि आप इस कारीगर हाट में और साहित्य उत्सव में पधारे और इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। कि हम सब 2-3 घंटा शास्त्रीय पक्ष की बात करेंगे और 2-3 घंटा मिस्त्री पक्ष की बात होगी। जैसे चार बार एक कुछ लोग स्टॉल पर रहेंगे, कुछ शास्त्र और कुछ मिस्त्री, दोनों की स्थिति कैसे बनती है इस पर हम सब चर्चा करेंगे। सबको यहाँ रहना है, सामान की रखवाली भी करनी है, उसकी सुरक्षा कैसे हो वह भी ध्यान रखना है। अपने आप में रहने में कोई अगर असुविधा हो तो हम गांधी स्मृति को न कोसें, क्योंकि मैं कारीगर साथियों के साथ जुड़ा हूँ, कारीगर पंचायत के साथ रहा हूँ और कारीगरों के काम में प्रकोष्ठ में भी रहा हूँ। तो इस कारण से कारीगरों से भी मेरा आग्रह है कि यह हमको एक अवसर मिला है, इसलिए हम शिकायत लेकर न आए, समाधान क्या हो सकता है इसको सुझाव ये मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा रहे कि यहाँ की पूरी टीम गांधी स्मृति और दर्शन समिति को लगे, नहीं देश के जो ये 2.5 करोड़ कारीगर परिवार हैं वह यहाँ कैसे आए, इस स्थान पर लगातार ये कैसे आते रहे, कभी बासन तो बासन, कभी बिस्तर तो बिस्तर, कभी पूजा की सामग्री, कभी भोजन की सामग्री, अलग अलग तरह से हम कैसे ये एक उत्सव की तरह हम कर सकते हैं और यह कैसे कम से कम 3-4 साल की हमारी एक योजना आज से कैसे चल सकती है, हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से, और वह जो प्रभाव होगा तब इनको एक चिंतन करने के लिए अवसर देगा। मुझे लगता है कि अच्छा है कि एक तरफ यह परिसर यहाँ जहाँ पर हम सब कर रहे हैं। आप कारीगर साथी से मेरा आग्रह है कि सुबह निश्चित रूप से बापू की समाधि पर आप जाएंगे, एक दिन निश्चित हम जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वर्षों पहले बसंत जी के साथ जब हमने कारीगरों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा किया था और देश भर के लगभग 40 से अधिक क्लस्टर से कारीगर यहां पर आए थे और उस समय हम किस तरीके से वो प्रदर्शनी का आयोजन कर पाए थे, लेकिन उस समय का जो एक संकल्प था तब शायद गांधी दर्शन इतना भव्य भी नहीं था। यहां पे बसंत जी ने बहुत कुछ सुझाव दिया था, लेकिन आज वर्षों बाद जब मैं यहां आ रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि आज यहां पर गांधी दर्शन का दर्शन मैं कर पा रहा हूं। गांधी के दर्शन को जो उसका निर्गुण पक्ष है वो तो हम महसूस करते हैं, विचारधारा के नाते हम सब प्रतिबद्धित हैं, लेकिन आज जो कुछ यहां हो रहा है शायद वो गांधी दर्शन का सगुण उपासना का पक्ष दिखाई पड़ रहा है। मर्चेंट यहां पे हैं, बहुत से कारीगरों का भी हम स्टॉल देख रहे थे। दीपांकर जी, मैं देश के लाखों कारीगरों की ओर से आपको धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और जो संकल्पना से, क्योंकि कारीगर पंचायत जब वर्धा में नागपुर में गठित हुआ और मगन संग्रहालय से लेकर के सेवाग्राम से लेकर के और देश भर के ऐसे जो कारीगरों के लिए जो तीर्थ स्थान थे वहां से उठ करके जब पहली बार यहां पे गांधी दर्शन में कारीगरों का जमावड़ा हुआ था तो उस समय बसंत जी और सब लोग, आज देवेंद्र भाई यहां नहीं है लेकिन उनकी निश्चित रूप से उनकी आत्मा हम सबको आशीर्वाद दे रही होगी,
उस समय एक संकल्पना थी कि हम देश की राजधानी दिल्ली में कारीगरों के लिए भी कोई तीर्थ बनाएंगे। आज आपने जो प्रयास किया है दीपांकर जी, गांधी दर्शन ने जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि आज तो एक बीजारोपण हुआ है। देश भर के लाखों करोड़ों कारीगरों के लिए ये गांधी दर्शन एक तीर्थ के नाते से आने वाले समय में विकसित हो, और जिस संकल्पना के साथ हम सब गांधी जी के, कुमारप्पा जी का 125वीं उनकी पूर्णवर्ष के अवसर पर जो एक कार्यक्रम आयोजित है, इस देश के करोड़ों वंचितों के जीवन में जो गांधी जी का जो ताबीज था, हम सब तो उसी प्रेरणा से काम करने वाले लोग हैं, तो गांधी जी के जंतर से प्रेरणा लेकर के काम करने वाले लाखों लोगों के लिए और इस देश के करोड़ों वंचितों के जीवन में हम कोई बदलाव ला सकें। लड्डू और दो दो साथ दिए हैं आयोजकों ने, धीरेन्द्र का नाम लिया आपने, धीरेन्द्र दो बातें कहते थे, इस देश में हर मिस्त्री शास्त्री और शास्त्री मिस्त्री बन जाए तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। तो आज साहित्य का और कारीगरी का दोनों का मेल जो आपने किया है, उन धीरेन्द्र को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी याद की है। श्रम बात की, खादी ग्राम की बात कहने वाले, तो शास्त्री और मिस्त्री इन दोनों को जोड़े, हर शास्त्री मिस्त्री और हर मिस्त्री शास्त्री। तो परिधि बहन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, खादी पहने मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, खादी बनाए ये ज्यादा है। जवान कैसे खादी से जुड़े, खादी को कैसे बनाए, वो काते और काते जो पहने वो उस तरफ बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी परिधि बहुत बढ़ेगी, खूब परिधि बढ़ती चली जाएगी और उसका एक आनंद होगा। मित्रों, वो गाने के लिए कहा था संगीत की बात की, रानी की बात नहीं मानूंगा तो डांट पड़ेगी बाद में, प्यार से डांटती मुझे कभी कभी और अच्छा लगता है मुझे। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर गरीब का शहीद का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिको मजूर के नौकरो हजूर के, फर्क को मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, पूरा नहीं गाऊंगा समय ज्यादा है, पर एक बात जरूर कहूंगा और वो कहकर बैठ जाऊंगा, बैठूंगा नहीं खड़ा रहूंगा। हाँ, ये लक्ष्मी भाई खड़े हुए हैं, वही बैठना मना है, और खासतौर पर जिसको चिरी हुआ कह दिया वो बैठ गया तो बैठ गया, बैठना है ही नहीं, चलते रहना चरे बेती। आज अच्छा लग रहा है और यहाँ जो चेहरे देख रहा हूँ, आज से सालों पहले कारीगर पंचायत की नींव में जो पत्थर थे वो आज इधर भी दिख रहे हैं और उधर भी दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उन सबको सत सत नमन कर रहा हूँ और आयोजकों को धन्यवाद इसलिए देता हूँ, उन पत्थरों को जो नींव के थे उनको आज दिखाया है। नींव छुपी रहती है हरदम, नींव दिखनी चाहिए। इस देश की नींव क्या है, इंसान की नींव क्या है, समाज की नींव क्या है, परंपरा की नींव क्या है, कारीगर की नींव क्या है, साहित्य की नींव क्या है, वो दिखनी चाहिए। आपने दिखाने का जो काम किया है उसके लिए इस पूरे गांधी स्मृति परिवार को, गांधी दर्शन स्मृति परिवार को मैं सचमुच तहे दिल से दिल करता है मुबारकबाद दूं, और इन नींव के पत्थरों को दिखाते रहिए, जोड़ते रहिए, चलते रहिए, प्रभु सबको शक्ति देगा। जय हिंद, जय जगत। सभी अभिभावकगण और मीडिया से आए हुए मित्रगण, उसको ये पता नहीं कि जो नींव परसों पहले पड़ी थी उसको इन लोगों ने किस तरह से 20 साल पानी देकर जिंदा रखा है। उस पेड़ को, पेड़ जिंदा था इसलिए उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश हम लोगों ने अपने तरफ से की है। इसमें मैं अपने पूरे परिवार जो गांधी दर्शन परिवार है उसका आभार जरूर व्यक्त करूंगा, क्योंकि यह प्रेरणा मुझको वहां से आई। सबसे पहली बार प्रेरणा आई जब प्रोग्राम कमेटी की मीटिंग थी
और लक्ष्मीदास सर ने इस बात को प्रोग्राम कमेटी की मीटिंग में उठाया था, ऐसा कुछ होना चाहिए। सच कहूं तो दुर्भाग्य यह है कि कल्पना बहुत बड़ी ली गई थी, उसके मैट्रिक्स भी बहुत बड़े बने थे, बड़े स्तर पर करने की योजना थी, लेकिन कस्पे कारणों से हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और नहीं कर पाए। लेकिन फिर बसंत जी ने बहुत जिद ठानी, जो बच्चों वाली जिद होती है, इस फाइनेंशियल ईयर में करना है, चाहे 10 लोगों के साथ करना पड़े या 100 लोगों के साथ, लेकिन करना है। आनंद फानंद में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने तैयार किया और ये डेट ट्रांसफर की सुझाई गई। पहले कोशिश ये थी कि इसको हम गांधी स्मृति में करेंगे, क्योंकि तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन जाट आंदोलन के चलते थोड़ी व्यवस्थाओं में दिक्कत आई, तो अंत समय में हम लोगों ने अपना स्थान भी परिवर्तित किया। इसमें बहुत सारे आप प्रतिभागियों को तकलीफ भी हुई है, भागन दौड़ हो गई, उधर से इधर भाग कर आना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो व्यवस्था हमारी थी कि हम इसको यहाँ शिफ्ट कर पाए। लेकिन अब जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो जिम्मेवारी गांधी दर्शन के सभी लोगों की है कि इस पेड़ को इतने बड़े पेड़ों की तरह बड़ा करें। तो एक संकल्प आज लेता हूँ कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, आप परमानेंट होंगे सालों भर के लिए। अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको हम परमानेंट करेंगे, जहाँ सालों भर कारीगरों को, पुस्तक पल विक्रेताओं को, साथ में विभिन्न राज्यों के खाने पीने की सामग्रियों को, विभिन्न तरह के आयामों को कुछ कुछ दिनों के लिए हम जोड़ते रहेंगे, ताकि ये परिसर सालों भर कुछ न कुछ नए नए फूल दिखाता रहे लोगों को। और थोड़ा मेरा प्रोग्राम डिवीजन मेहनत करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखने आएंगे, ये कोशिश रहेगी। आज के आनंद फानंद कार्यक्रम में तो बहुत सारे लोगों को हम बुला भी नहीं पाए। देखिए, जब तक गांधी स्मृति के जो जो मैंडेट्स हैं, उसकी हम लोगों ने कोशिश तो जरूर की कि सारे मैंडेट्स पूरे हो जाएं। अभी एक बात और भी हो रही थी कि जैसे गीता जी से बात हो रही थी कि हम एक परमानेंट एग्जीबिशन कुछ ऐसे ओपन में भी करने हैं, तो कभी उसका उपयोग हम उसमें भी करेंगे, ताकि जो विशेष अवसर है गांधी जी के जीवन में या महापुरुषों के जीवन में, उसकी भी हम प्रदर्शनियां लगा दें। कभी ऐसा भी मल्टीपर्पज जगह का रूप में इसको डेवलप करने का प्लान था। अब इसको लगाने के पीछे की दो परिकल्पनाएं हैं जो आज क्लियर कर दूं। पहली परिकल्पना यह थी कि हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो रहे हैं उसको शोकेस करने का भी निर्णय लिया है, और उसको बिक्री के लिए एक स्थान देने का भी निर्णय लिया है। यह स्थान ऑलरेडी हम लोगों ने गांधी स्मृति में बना रखा है, और उससे हम विभिन्न जगहों के लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे भी है कि हमारी टीम इन कार्यक्रमों को जाके इवेल्युएट करेगी, और फिर एक लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का भी हम बनाएंगे। तो इस कार्यक्रम से भी मुझको लगता है कि 8 से 10 पार्टनर्स हमें रूरल इलाके से मिलेंगे, हमें शहरी इलाकों के पार्टनर्स नहीं चाहिए, और ना हम करने जा रहे हैं, सिर्फ रूरल इलाकों के जो बेसिक आर्टिजन्स हैं उनके साथ काम करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को ही हम बढ़ावा देंगे। आज बस इतना ही कहूंगा, और अगले साल हम जब मिले तो जो ऐसी इच्छा मैंने व्यक्त की कि परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से आपको पंडाल नहीं मिले, वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स के रूप में हमें कुछ मिले, और हम इसमें हर समय कुछ कार्यक्रम करते रहें, आपको बुलाते रहेंगे। और अगले बार से जब भी कारीगरों का कोई उद्घाटन होगा तो कोई कारीगर ही करेगा, किताबों का उद्घाटन होगा तो उद्घाटनकर्ता कोई पब्लिशर होगा, ऐसी कोई बात हम करेंगे। धन्यवाद।